हेलो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.2 से, क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। अब देखो क्या हमारे पे एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है। अब फैक्टराइज में हमें क्या करना है, देखना होता है कि कॉमन किस में, मतलब कौन सा नंबर है जो दोनों में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ देखो ए ये एट एक्स ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ बी एक्स है, तो यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो हम सिंपली एक्स को बाहर ले लेंगे। मतलब एक्स ऐसा है जो दोनों में दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, ए एक्स बचेगा, और यहाँ देखो एक्स बाहर आ गया, तो क्या बच रहा, बी। तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। अब देखो बी में देखो 7p का स्क्वायर प्लस 21q का स्क्वायर। अब हमें देखना 7 और 21 में किसका हम किससे डिवाइड करेंगे, दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, तो हमारा 7 ही डिवाइड करेंगे 7 से। यहाँ p यहाँ क्यों, तो p q को हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसको निकाल सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो पी स्क्वायर बचेगा प्लस 7 3 जा 3 से 7 को 1 आएगा यहाँ पे, और 7 से इसको देंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे 3q का स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ देखो 2x³ प्लस 2xy का स्क्वायर प्लस 2xz का स्क्वायर। भाई तीनों में क्या दिखाई दे रहा, तीनों में हमें एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, एक तो 2 दिखाई दे रहा भाई, तो 2 हमने बाहर लिया। एक यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो एक x भी हम बाहर ले सकते हैं। अब यहाँ 2x एक, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचा क्योंकि 3 था, एक बाहर ले लिया तो 2 तो बचे हुए। अब यहाँ 2 बाहर आ गए, x भी बाहर आ गए, तो वाई स्क्वायर बचा। यहाँ एक्स और टू तो बाहर आ गए, तो ये जेड स्क्वायर बचे, तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। यहाँ देखो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर और बी एन स्क्वायर वाले, तो पहले इसमें कॉमन देखो, इसमें कॉमन देखो, यहाँ देखो एम है, यहाँ भी एम, तो एम स्क्वायर बाहर ले लो सीधे सीधे, ठीक है। तो हमें ए प्लस बी हमारा आंसर हो यहाँ पे, प्लस दोनों में यहाँ क्या है एन है, तो एन स्क्वायर बाहर ले लो, क्या आ जाएगा बी प्लस ए, एक हमारा ये हो जाएगा। देखो सेम है ब्रैकेट, ए प्लस बी या बी प्लस ए, इसको हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा एक फैक्टर, एक ए प्लस बी, ओके। अब यहाँ देखो एल प्लस एल एम प्लस एल है और प्लस, इसमें अगर हम देखें कॉमन, तो एल कॉमन है, तो एम प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि एल बाहर आ गया, ठीक है। एल अगर हमने बाहर ले लिया तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं, तो 1 तो ले सकते, 1 को सारे टेबल में जाता, 1 एम जा 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एम प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ एल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ हमने एल बाहर लिया तो 1 आया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ हमने एल एम, अगर मैं 1 लूँ तो हमारा एल बचेगा, तो इट मीन्स क्या है, यहाँ या तो ये एल स्क्वायर होगा, तब यहाँ एल बचेगा, ओके। तो अब हमारा एल प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ एम प्लस 1 हो जाएगा। हमें देखना कि ब्रैकेट हमारा सेम हो, ब्रैकेट में हमारा सेम आए, ठीक है, या तो यहाँ एल स्क्वायर होना चाहिए या यहाँ हमारा एम होना चाहिए, यहाँ या तो हमने, ओके। नेक्स्ट हमारा है वाई, ये हमारा, अब देखो यहाँ तो ऑलरेडी ब्रैकेट अंदर देखो सेम है, वाई प्लस जेड है, वाई प्लस जेड है, इसका हमें सीधे फैक्टर वाई प्लस 9 हो जाएगा, एक तो एक वाई प्लस जेड, हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट हमारा सेम है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सीधे, ठीक है, क्योंकि एक फैक्टर यहाँ तक है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारा वाई प्लस 9 है, एक ही है, ओके। अब यहाँ देखो इन पे कॉमन, इससे कॉमन, भाई पहले तो 5 कॉमन है, 5 के टेबल में जाए 20 भी जाता, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई, तो एक वाई भी बाहर बनता है, एक वाई यहाँ बच गया। अब यहाँ 5 4 जब 4 बचेगा, क्योंकि 5 4 जब 20 होता है, 5 बाहर लिया हमने तो इसको काटेंगे तो 4 बचेगा, ओके। माइनस 8 यहाँ भी जेड, तो एक जो जेड बाहर आएगा, एक हमारा 2, क्योंकि 2 के टेबल में यहाँ 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा 2 के टेबल में, 2 4 जब 8 हो जाएगा, जेड भी हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है, दोनों जगह, तो जेड यहाँ नहीं रहेगा, और प्लस है बाहर माइनस है, तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट बाहर अगर माइनस हो तो अंदर भी माइनस हो जाता, ओके। और यहाँ हमारा क्या बचा, 2 तो बाहर आ गया, जेड भी बाहर आ गया, तो यहाँ बचा वाई, मीन ये हमारे यहाँ पे 2z 4 माइनस वाई, ये तो एक हमारा क्या हो जाएगा, देखो मैं इसको लिख रहा 5y माइनस माइनस वाई ये, और 2z, ठीक है, माइनस का साइन है, तो माइनस 2z y माइनस 4, एक हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5y माइनस 2z हो जाएगा, एक y माइनस 4 हो जाएगा, ओके।